भाई इस सीरीज को जितना ज्यादा आप ध्यान से देखोगे उतनी बार आपको एक नया क्वेश्चन आपके दिमाग में आता हुआ दिखने वाला है। और अगर दोस्तों आपके माइंड में क्वेश्चंस आ रहे हैं तो भाई वो एक ही क्रिएचर से रिलेटेड आने वाले हैं, वो है वेकना। भाई दोस्तों इन सबसे रिलेटेड मेरा क्वेश्चन ये है कि आखिरकार वेकना अपने विक्टिम्स की बॉडी अपने माइंड स्कैप में क्यों रख लेता था? उन विक्टिम्स को मार देने के बाद दोस्तों उन सब की बॉडी अपसाइड डाउन वर्ल्ड में क्यों दिखाई देती थी? तो इसी बारे में दोस्तों हम आपसे बात करने वाले हैं। यकीन मानिए दोस्तों इसके पीछे जो एक इंटरेस्टिंग वजह है उसको जानने के बाद दोस्तों आप शॉक हो जाने वाले हैं। तो यार बिना दो बात और ज्यादा किए करते हैं जाजो वीडियो की शुरुआत। दोस्तों स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 में हम सब ने ये देखा कि वेकना के माइंडस्केप में उसके विक्टिम्स की बॉडी तो रहती ही रहती है, यहाँ पर दोस्तों रियल वर्ल्ड में भी उसके विक्टिम्स की बॉडी भी एग्जिस्ट करती है। सीजन 4 की दोस्तों हम सब माने तो हमारा पहला विक्टिम थी क्रिसी कैनिंगहम। और यहाँ पर दोस्तों क्रिसी अपने मदर के ट्रॉमा से गुजर रही थी। और दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों को यहाँ पर वेकना ने विक्टिम बनाया उन सब के पास दोस्तों अपना ही एक पास था जिसमें कि जो विक्टिम होता था वो अपने आप में ही एक गिल्ट में रहा करता था। हालांकि दोस्तों वेकना ने अपने चार विक्टिम्स को पूरा करने के लिए बाद में मैक्स और नैन्सी को भी अपना टारगेट बनाया ताकि वो अपने चार गेट फाइनली ओपन कर सके। और एंड ऑफ द सीजन दोस्तों हम सब लोगों को ये चीज भी पता चल चुकी थी कि आखिरकार वेकना क्यों गेट खोल रहा है, आखिरकार वेकना हॉकिंस के जो टीनेजर्स हैं उनको ही टारगेट क्यों बना रहा है, क्योंकि उसे कैसे भी करके चार बॉडीज चाहिए थी। या जैसे यहाँ पर वेकना डियर विली वाले एपिसोड में मैक्स को पजेस करता है तो यहाँ पर दोस्तों हमको उसके माइंडस्केप में कई बॉडीज दिखाई देती हैं, जो कि एक्चुअल में दोस्तों उसके विक्टिम्स की ही बॉडी होती हैं। लेकिन वहीं दोस्तों एक बात बहुत ज्यादा ध्यान से देखने वाली थी कि भाई ये जो विक्टिम्स हैं ये इसके रिसेंट विक्टिम्स। इसी तरीके से दोस्तों अपनी टेलीकाइनेटिक्स पावर्स के थ्रू यहाँ पर 001 ने अपनी सिस्टर और अपनी मदर को भी मारा था। और हॉकिंस लैब में यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो मैसेका हुआ था उसके विक्टिम्स भी दोस्तों हमको वेकना के माइंडस्केप में कभी भी दिखाई नहीं देते हैं। अब दोस्तों इस चीज का मतलब तो बहुत साफ साफ है कि यहाँ पर वेकना को जिस तरीके से अपने विक्टिम्स की जरूरत होती थी उसी अकॉर्डिंग दोस्तों अपने विक्टिम्स को चुना करता था। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर उसका एक बहुत ही डीपर पर्पस हुआ करता था किसी भी विक्टिम को टारगेट करने से पहले। और यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी मिस्ट्री की वो अपने विक्टिम्स को पहली प्लेस पर ही क्यों मार देता था। और दोस्तों हमें ये चीज समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आखिरकार वेकना अपने विक्टिम्स को अपने माइंडस्केप में क्यों रखा करता था और एक परफेक्ट प्लेस पर ही क्यों उसे मारा करता था। भाई दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग तो इस बात के लिए ये वाली थ्योरी सही हो सकती है कि यहाँ पर हॉकिंस के चार कोनों पर वो चार विक्टिम्स थे और दोस्तों जब उन चार गेट्स को एक साथ मर्ज किया जाएगा तो बहुत बड़ी तादाद में तबाही देखी जाएगी। अब जब दोस्तों पहली बार वेकना ने अपनी फैमिली को खत्म किया और हॉकिंस पर दोस्तों दोबारा हमले जब चालू हुए तो इन सब के बीच में दोस्तों 7 साल का डिफरेंस था। आखिरकार दोस्तों ऐसा क्यों? वेकना ने दोस्तों आखिरकार 7 साल क्यों लगा? इस बारे में दोस्तों हम फिर कभी आपसे किसी वीडियो में बात करने वाले हैं। अब यार उसके फैमिली मेंबर्स और यहाँ पर हॉकिंस में जो बच्चे मारे गए थे वो दोनों बहुत ही एक अलग चीज है। फर्क सिर्फ दोस्तों यहाँ पर इतना ही है कि हॉकिंस लैब में जो बच्चे टेस्ट सब्जेक्ट थे वो वेकना को बिल्कुल भी नहीं जानते थे। इन्हीं सब चीजों को दोस्तों यहाँ पर ध्यान में रखते हुए हमारे मन में ये सवाल उठता है कि वेकना अपने विक्टिम्स को इस इरादे से कई दिन तक पीछा किया करता था जिससे कि डेथ के बाद वह उसके माइंडसेट में आकर समा जाए और उसके माइंडस्केप के थ्रू उसे ये गेट खोलने में बहुत ही ज्यादा आसानी हो। अब इन सबका दोस्तों सबसे मेन सवाल कि वेकना के माइंड स्केप में बॉडीज क्या कर रही थी। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पर वेकना का जो अपसाइड डाउन वर्ल्ड है और हमारा जो रियल वर्ल्ड है उसमें बहुत ज्यादा अंतर है। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर वेकना के माइंड स्केप में आपने जो बॉडीज देख कर आए हैं वो एक्चुअल में रियल बॉडीज नहीं है। उन बॉडीज का फिजिकल फॉर्म आज भी रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। अब वही दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले सीजन 5 में हमको यहाँ पर मैक्स मेफील्ड दोबारा वेकना के माइंड में यहाँ पर देखने को मिले। वेकना अपने विक्टिम्स को मारने के बाद उन विक्टिम्स का सार ले लेता है और जैसा कि दोस्तों यहाँ पर डॉक्टर बेडर ने पहले भी इस बात को क्लियरिफाई किया हुआ है कि वेकना अपने विक्टिम्स को मार देने के बाद उसे कंज्यूम करता है, उसकी खपत करता है। वेकना किसी को भी सीधे सीधा मारने में भरोसा बिल्कुल भी नहीं रखता। जैसे ही अपने विक्टिम्स को मारता है तो उसके दिमाग में जो कुछ भी है वो सारी चीजें वो रख लेता है। वेकना के विक्टिम्स की जो बॉडी है वही इसका एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है कि विक्टिम्स की फिजिकल बॉडी के अंदर जो वो कर सकता है वही सेम चीज दोस्तों वो बाहर भी कर सकता है, जिसमें कि चार छोटे छोटे गेट्स के थ्रू एक बहुत बड़ा जायंट गेट जो बनाया जाता है वो इस चीज का बहुत बड़ा एग्जांपल हो सकता है कि किस तरीके से दोस्तों यहाँ पर वेकना ने अपने विक्टिम्स को यूज कर उन गेट्स को जोड़ा था। वही दोस्तों यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग एक थ्योरी और निकल कर आती है कि ऐसा भी हो सकता है कि विक्टिम्स जो भी वेकना के हैं वो आने वाले समय में हमारे रियल वर्ल्ड के बहुत बड़े दुश्मन बन जाए। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पर वेकना ऑलरेडी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था सीजन के एंड में, क्योंकि यहाँ पर रॉबिन, नैन्सी और स्टीव ने उसे अपसाइड डाउन वर्ल्ड में जाकर जला दिया था और यार वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया था। और यहाँ पर दोस्तों एंड में हमको उसकी बॉडी भी नहीं दिखाई दी थी। तो यार अगर उसको सीजन 5 में अपनी वापसी करना है
तो उसको इन विक्टिम्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, जो कि यार हो सकता है कि वेकना का पहले से भी प्लान हो इन विक्टिम्स को यूज करके। दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले समय में वेकना अपनी खुद की आर्मी भी बना सकता है। और अगर आप माने या ना माने, सीजन 4 एपिसोड 1 में जो गेम खेला गया था उससे बहुत सी चीजें क्लियर होती है। अब उन सबसे रिलेटेड दोस्तों मैं ऑलरेडी 2 थ्योरी डिस्कस कर चुके हैं। अभी तक आपने वीडियो नहीं देखे तो मैं आपको आई बटन में उसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप प्लीज एक बार देख लें। अब वहीं दोस्तों D&D कैंपेन के दौरान एक ऐसा सीन भी आता है कि यहाँ पर वेकना के कल्ट के बारे में बात की जाती है कि वेकना के कल्ट्स ने अपने चेहरे पर से जो होट्स हैं उनको हटा दिया है और अपनी आइडेंटिटी को रिवील कर दिया है। अब यार D&D कैंपेन के दौरान जो चीजें हुई हमको इतनी क्लियर तो नहीं पता है। और वेकना है पर अपसाइड डाउन वर्ल्ड का एक बहुत ही सोर्सफुल कैरेक्टर में से एक है, जिसने कि अपसाइड डाउन वर्ल्ड को पूरा बनाया है यार। और यहाँ पर दोस्तों इस चीज की बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि वेकना अपने विक्टिम्स को माइंडस्केप में रखकर अपने एक सार के तौर पे यूज करे, ताकि आने वाले समय में दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ी लड़ाई आयोजित की जा सके, जो कि दोस्तों सीजन 5 में हमको दिखाई जा सकती है। और यार सीजन 5 आपको भी पता है मुझे भी पता है कि भाई ये फाइनल है। और यहाँ पर दोस्तों ऐसा हो सकता है कि स्ट्रेंजर थिंग सीजन 5 में हम सबको ये चीजें देखने को मिले। बाकी दोस्तों आप क्या सोचते हैं कि आखिरकार वेकना अपनी विक्टिम्स की बॉडी को अपने माइंडस्केप में रखकर क्या किया करता था, और यहाँ पर दोस्तों इन सब चीजों के पीछे उसका क्या पर्पस था, अपने अकॉर्डिंग दोस्तों अपनी थ्योरीज बताना बिल्कुल भी मत भूलिए। बाकी हाँ यार, इसी तरह के कंटेंट में आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो तो प्लीज जाके भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और स्ट्रेंजर थिंग बहुत बड़े वाले फैन हो तो भाई प्लीज वीडियो को लाइक किए ना तो बिल्कुल भी नहीं जाना। चलिए खैर, मुलाकात होगी दोस्तों आपसे अगले ही एक किस्सेधासु वीडियो में, तब तक के लिए बाय।